हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। टुडे वी विल डिस्कस टू मोर प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। फ्रेंड्स प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट प्रिंसिपल इज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल वर्ड से आपको क्लियर हो रहा होगा, ड्यूअल मतलब किसी चीज़ का दो इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई मशीनरी परचेज करी है तो मशीनरी आपके पास आ रही है, एक इफेक्ट तो ये हुआ, और दूसरा इफेक्ट आप उसको कैश दे रहे हो, मतलब कैश का आउटफ्लो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ने के लिए अपनी अकाउंट से बुक परचेज करी तो बुक आपको मिल गई, ओके, इन रिटर्न आपने क्या दिया, पैसा दिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग अ ड्यूअल एस्पेक्ट। इफ वन इज डेबिटेड देन अदर इज क्रेडिटेड। एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, एक आएगा तो दूसरा जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल है जिसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उसमें आपने कैपिटल लगाया 5 लाख रुपए का और आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, टोटल आपके पास 6 लाख रुपीज़ हो गए। उन 6 लाख से आपने एसेट्स परचेज करा, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस परचेज करा, मशीनरी परचेज करा, ठीक है, तो ये सब आपके एसेट्स आपने परचेज कर लिए। तो एसेट्स आपने खरीदे तो एसेट्स में 6 लाख आ गया, आपने टोटल 6 लाख का खरीद लिया, 1 लाख की आपकी क्या आ गई, लाइबिलिटी। इन फ्यूचर आपने जो लोन लिया है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वो क्या होती है, आपकी लाइबिलिटी। और कैपिटल आपने कितने का लगाया था, 5 लाख का। मैंने आपको समझाया कैपिटल, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो जो पैसा लगाते हो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो आप देख रहे होंगे दोनों चीज़ें क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है, क्योंकि बैलेंस शीट में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, दोनों चीज़ें बैलेंस रहती हैं तभी वो सही मानी जाती है। तो एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सो आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। इसमें एक एग्जांपल है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैचिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है। मैचिंग वर्ड से क्लियर हो गया होगा कि दोनों क्या हो, मैच कर रहे हो, मतलब दोनों बराबर से हो। अब आप एग्जाम्पल सुनो, आपने 10 चेयर खरीदी, ठीक है, 10,000 रुपीज़ की एक चेयर है, तो आपने 10 चेयर खरीदी तो वो कितने की हुई, 1 लाख रुपीज़ की, ठीक है। अब आपने सोल्ड आउट करी है 5 चेयर्स 15,000 ईच की, आपने परचेज तो 10,000 में की थी, आप सोल्ड आउट कितने की कर रहे हो, 15,000 की, तो आपने टोटल सेल से कितना पैसा कमाया, 75,000, ओके। टेल मी, आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर आपको लॉस हो रहा है, सोचो, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको फ़ायदा हो रहा है फिर आपको नुकसान हो रहा है। देखो यहाँ पर जो आपको कॉस्ट दे रखी है वो आपको 10 की दे रखी है, पर आपको सेल जो दे रखी है वो आपको 5 की दे रखी है, तो डिफरेंस है ना। तो हम जो कंपैरिजन करेंगे वो हमेशा मैचिंग मतलब सेल से सेम से करेंगे। अगर 5 चेयर आप सोल्ड आउट कर रहे हो तो आप 5 चेयर की परचेजेस से ही उसका कंपैरिजन करोगे, ठीक है। 5 चेयर्स अगर आपने सोल्ड आउट करी है 15,000 की, आपने 75,000 से पैसा मिला, तो आपने वो 5 चेयर कितने की खरीदी होंगी, उनकी कॉस्ट क्या होगी, 5 × 10,000 मतलब 50,000। तो आपने 50,000 की कोई कॉस्ट थी, उसको आपने 75,000 का बेचा, तो आपको 25,000 का इसमें क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। तो जो हम रेवेन्यू, जो हमारा प्रॉफिट जो है, वो हम जो कंपैरिजन करेंगे वो दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप 5 चेयर्स की सेल से कंपैरिजन कर रहे हो तो आप 5 चेयर की कॉस्ट का ही उससे कंपैरिजन करोगे, इसी को हम मैचिंग कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इन डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट, अगर आप नेट प्रॉफिट डिटरमाइन कर रहे हो फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू, मतलब जो आपने पैसा कमाया है जिस चीज़ को बेच करके, उसी यूनिट से हम कंपैरिजन करेंगे कि उसकी कॉस्ट कितनी थी, तब हम नेट प्रॉफिट उसका निकालेंगे। होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू एक्चुअली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।